मैन ऑफ ऑल सीजन। तजिंद्रपाल बग्गा नूं वड्डी राहत मिलने तों बाद साडे नाल बग्गा दे वकील चेतन मित्तल ने, मित्तल साहब कह सकते हैं कि बड़ी राहत मिली है 6 जुलाई तक? बहुत बड़ी राहत मिली है क्योंकि जेड़ा आज तक सारा कंडक्ट पंजाब पुलिस दे इन्वेस्टिगेशन दा राइट फ्रॉम दी एफआईआर उस तो बाद उन्हों उत्थो दी चक के लेके आना किडनैपिंग दा पर्चा दर्ज होना आज भी बड़ा क्लेवरली ए कह के जी असी वो वारंट नहीं एक्सीक्यूट करांगे ओ कह के डेट लेना सानू पहला सस्पिशियस सी असी 6 जुलाई तक वास्ते असी रिलीफ मंगया कोर्ट नू कि सानू सस्पिशियस हालत यही है जिस तरह दा कंडक्ट रहा और इस तरह दे कंटेंट्स ऑफ एफआईआर ते पंजाब पुलिस ने मोहाली च जिहड़ा परचा दर्ज किया है वो इटसेल्फ ही पोलिटिकली मोटिवेटेड है। इस करके असी थ्रस्ट किया कि बिल्कुल प्रोसीडिंग्स नू स्टे किया जाए और कोई भी अरेस्ट या कोई बगादी नहीं हो। अरेस्ट के मामले च कोर्ट ने कोर्सिव स्टेप स्टे करते, वारंट के बारे में एजी ने कहता कि असी वारंट एक्सीक्यूट नहीं करांगे। अडिशनली कोर्ट ने कहा कि अगर तुसी इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन करानी है तो दिल्ली च होएगी, उहदे घर च होएगी, तीन पुलिस ऑफिसर जानगे, जिहड़ा मेन इन्वेस्टिगेशन दा है वो आईपीएस तो उपर होना चाहिए और बग्गा दे काउंसल दी प्रेजेंस च 1 or 2 times टिल 6 जुलाई हो सकती है, उस तो इलावा कुछ नहीं हो सकती। एडिशनली कोर्ट ने कहा है कि कोई भी चलान या फाइनल रिपोर्ट इस केस च कोर्ट च नहीं फाइल हुई। उसी क्या भी अरेस्ट गलत हुई है पर पंजाब सरकार कह रही है कि 4 to 5 times नोटिस सर्व किए गए सी, जदों कोई भी जांच दे विच शमूलियत नहीं हुई और ना ही कोई एंटीसिपेटरी पाई कि उस तो बाद जाके अरेस्ट हुई है। देयर आर टू इश्यूज, एक तो वो कहंदे कि 41 दा असी नोटिस दिता, दे आर नॉट पॉइंटिंग आउट कि असी हरेक नोटिस का जवाब दिता, असी यह भी किया कि आ साडी असी ओन कर रहे हैं, तुसी सानू यह दसो कि मेरे तो किहड़े डाकूमेंट लेने हैं, असी यह भी किया कि असी क्वेश्चनर भी देने तैयार हैं, उस तो बाद भी अरेस्ट इस तरह पंजाब पुलिस नहीं कर सकती, कोई प्रोसीजर होंदा है कोर्ट चो हुण भी तो वारंट लेते हैं उन्होंने उत्थे अगर दूसरी स्टेट च जा रहे हैं लोकल पुलिस ने इन्फॉर्म करके उस तो बाद लेना चाहिए, देयर इज अ प्रोसीजर क्योंकि वह उस च फस चुके सी। उस तो बाद जब उन्होंने खिलाफ परचा दर्ज हो गया जिस तरह का अज राजस्थान च भी एक पंजाब पुलिस के खिलाफ परचा दर्ज होया, उसनू कवर अप करने वास्ते इन्होंने बहुत बड़ा हैबियस कॉर्पस वगैरह दिखाया, उन्होंने खुद नू पता है, अदरवाइज पंजाब पुलिस शुड हैव गॉन टू दिल्ली और दिल्ली हाई कोर्ट जाके इन्हू प्रोटेस्ट करे क्योंकि उन्होंने पता है कि यह बड़ा क्लेवरली विदाउट प्रोसीजर उसनू उठा के लिया है, इस करके वो साइलेंट है। इसी नू असी हाईलाइट किया कि इस छोटे जे मामले च जेड़ा मामला एक केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली च स्टेटमेंट हुई है उसका परचा मोहाली च दर्ज होना और इस तरह के होर परचे जेड़े दर्ज हो रहे हैं, दिस इटसेल्फ शोज कि इन्हों की इंटेंशन मैलाफाइड है और पोलीटिकली मोटिवेटेड है। चेतन जी राहत जरूर मिली है पर पुछ पड़ताल पुलिस कर सकती है? पुछ पड़ताल असी पहला भी ज्वाइन कर चुके हैं, सानू सिर्फ यह है कि मैलाफाइडली उन्होंने अरेस्ट करना चाहते हैं विच इज एपरेंट। सब तो बड़ी राहत यही सी इन्वेस्टिगेशन बारे असी रिप्लाई च भी लिखे तुसी सानू दसो तुहानू क्या चाहिए। तजिंद्रपाल बग्गा पूरी स्टेटमेंट नू ओन करदा है, असी वो पूरी स्टेटमेंट कोर्ट च पढ़ी और असी क्या कि इस ते दस दो कि केड़ा ऑफेंस बनता है, ये पोलिटिकल स्टेटमेंट अगेंस्ट ए पोलिटिकल स्टेटमेंट है। अरविंद केजरीवाल ने उत्थे एज ए सीएम दिल्ली कोई स्टेटमेंट दिती उहदा रिस्पोंस है, उहदी तुसीं अद्धी लाइन करके कि जीने नहीं दूंगा उस ते खिलाफ ते पंजाब च मोहाली च परचा दर्ज कराना इटसेल्फ मैलाफाइडी है। किन्ने घंटे और किन्नी बार जिहड़ी पुछगिछ कर सकदे? दो बारी 21 घंटे वास्ते टिल 6 जुलाई अलाउ कीता है। ये डेली भी कर सकदे ने? दो दिन वास्ते 21 घंटे वास्ते सिर्फ दो बार। तां बग्गा दे वकील चेतन मित्तल ने जिन्हां ने कहा कि सिर्फ दो बारी 6 जुलाई तक सिर्फ दो बारी 21 घंटा जिहड़ी है वह पुछ पड़ताल कर सकदे ने, वह भी आईपीएस अधिकारी दे निगरानी दे विच सिर्फ 3 अधिकारी ही जिहड़े ने वह बग्गा दे घर जाके जांच कर सकदे ने और बग्गा दी लीगल टीम तां नाल होएगी ही। और दूसरे पासे उन्होंने कहा कि गलत तरीके दे नाल इक पोलिटिकल वेंडेटा दे तहत जिहड़ा इह आ गलत तरीके दे नाल एफआईआर दर्ज कीती गई और जिहड़े नोटिस दी गल करदे ने वह बग्गा दे वकील ने कहा कि उन्हां दे वल्लों उन्हां दा जवाब दित्ता गया सी और यही कारण है कि जिहड़ा इह वेंडेटा पॉलिटिक्स खेल रही है और सरकार दे वल्लों बिना निराधार होकर जिहड़ी एफआईआर दर्ज की गई सी और इसे लई जिहड़ा हाई कोर्ट दे वल्लों बग्गा नूं लगातार राहत मिल रही है। और वड्डी खबर यही है कि 6 जुलाई तक पंजाब पुलिस बग्गा नूं अरेस्ट नहीं कर सकती, जेकर पुछ पड़ताल करेगी तां बग्गा दे घर जाके 1-1 घंटे लई सिर्फ 6 जुलाई तक दो बार ही पुछ पड़ताल कर सकदी है, वह भी सीनियर पुलिस अधिकारी की निगरानी दे विच सिर्फ 3 अधिकारी ही बग्गा दे घर जा सकते हैं। कैमरामैन ललता प्रसाद के नाल भुल्लोजीत सिंह, एबीपी साझा, चंडीगढ़।